पृथ्वीराज फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले रॉलवुड टैलेंट शो का आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रथम राउंड का ऑडिशन रखा गया है। ये कार्यक्रम कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ और छिपी हुई प्रतिभाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए रखा गया है, जिसके अंतर्गत अभिनय, नृत्य, गायन, मॉडलिंग की चार श्रेणियां रखी गई है। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ऑडिशन कार्यक्रम के स्टार अकेडमी के डायरेक्टर कैलाश सुखाड़िया, रेखा सुखाड़िया, प्रिंसिपल रेणु सोनी, पृथ्वीराज बोहरा, डायरेक्टर सुभाष बालोटिया, पूजा भाटी, ममता बग्गा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुलि त्यागी और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ममता बग्गा ब्यूटिशियन, नीतू सिंह ब्यूटिशियन, पृथ्वीराज फिल्म्स प्रोडक्शन, पृथ्वीराज बोहरा के बैनर तले आज जोधपुर में मिस और मिसेस गणगौर का प्रोग्राम 20 मार्च 2023 का आयोजन किया गया, जिसके अंदर चीफ गेस्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य और पृथ्वीराज बोहरा और जजिंग के रूप में दिव्या मुंदड़ा और कंचन मुंदड़ा उपस्थित रहे। और इसके साथ ही पूरण सिंह बडगुजर, सुरेश सिंह देवड़ा, अजीत सिंह चौहान, प्रवीण सिंह, शेर सिंह झाला, जेटू सिंह, लक्ष्मण सिंह और एंकर सीमा शर्मा उपस्थित रहे। इनके प्रयासों से ही प्रोग्राम सफल रहा। 50 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभी प्रतिभागियों को पृथ्वीराज फिल्म्स प्रोडक्शन के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मिस और मिसेस गणगौर में कई राउंड के चैलेंज रखे गए, जिसके अंदर टैलेंट राउंड, सवाल जवाब रेमवॉक, इसके अलावा अन्य पुरस्कारों से प्रतियोगियों को नवाजा गया, जैसे कि टैलेंट हेयर स्टाइल, ब्यूटी आई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बेस्ट स्माइल से नवाजा गया। मिस गणगौर प्रथम में प्रियांशी चौहान और मिसेस गणगौर में प्रियंका गहलोत ने बाजी मारी। इसके अलावा आई के लिए प्रेम चौधरी, ज्वेलरी के लिए सलोनी, कैटवॉक के लिए नीना और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पूजा भाटी को नवाजा गया।